कि भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर कई ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर चला रहा है। बताया गया कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में ड्रोन के इस्तेमाल में तेजी लाई और खबर है कि इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के पास अलग अलग जगहों पर 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर बना रखे हैं, जहां आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उनके जरिए आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। बताया यह भी गया कि पाकिस्तान के पास तुर्की का बारख्ताश TB2 ड्रोन भी है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों में की जाती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। यानी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए अपने मंसूबे को पूरा करने का प्लान बनाया है और इसीलिए वो आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में जुटा है। और बताया तो ये भी गया कि पाकिस्तान इन ड्रोन की मदद से हथियारों के अलावा ड्रग्स की तस्करी भी कर रहा है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर चीन से ड्रोन खरीदे। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिनके बारे में दावा है कि वो न सिर्फ रडार की नजर से बचकर लंबा सफर तय करने में सक्षम है बल्कि ज्यादा विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में चीन से कई लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं, जिनकी तैनाती वो LOC पर कर रहा है। बताया गया कि इस बारे में IB और BSF ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हालांकि पाकिस्तान सीमा पर BSF पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है और कई बार उसने पाकिस्तान के इन ड्रोन को मार गिराया है।